सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो। सो गाइस, काफी इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेकर आ चुका हूँ आप सभी लोगों के लिए और काफी हेल्पफुल होने वाला है गाइस इस वीडियो। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप लोग यूट्यूबर हो तो आप लोगों के लिए काफी एक हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो, और अगर आप यूट्यूबर नहीं भी हो तो भी काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, मजा आएगा, स्किप मत करना। सो दिस वीडियो इज बेसिकली अ काइंड ऑफ ट्यूटोरियल टाइप। मैं कहीं बाहर तो अभी आज जाने नहीं वाला हूँ, तो मैंने सोचा घर से ही कुछ मजेदार सा आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया जाए। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि हम लोग जो इंस्टाग्राम पे लिंक डालते हैं, अपने जो वीडियोस की लिंक डालते हैं बायो में, तो वो सीधा इंस्टाग्राम के किसी ब्राउजर में खुलती है। ये ट्रिक ऐसी होने वाली गाइस, ट्रिक तो नहीं टेक्निक, जिससे कि आप लोग लिंक डायरेक्टली क्लिक करके सीधा आप लोग यूट्यूब में खोल सकते हो। मतलब बायो में आप लोग वो लिंक डालनी है और उस पर क्लिक करके सीधा वो जो लिंक है सीधा यूट्यूब में खुलेगी। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीधा चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। चलिए सो चलिए गाइस, हम लोग आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और सबसे पहले हम लोग जाएंगे क्रोम पर और यहाँ पर टाइप करेंगे फायरबेस। आप लोग को टाइप करना है सिर्फ फायरबेस और ये गूगल का ही है। देन आपको जाना है गेट स्टार्टेड और ये एक प्रोजेक्ट मैंने बनाया हुआ है, लेकिन मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले आप लोगों को तो ऐड प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, प्रोजेक्ट का नाम दे देना है न्यू ब्लॉग, ओके कंटिन्यू, देन कंटिन्यू, डिफॉल्ट रख सकते हो आप लोग। ये हो गया रेडी, ये प्रोजेक्ट बन चुका है हमारा। और यहाँ पर आप लोग को साइड में चीजें दिख रही होंगी, डेवलप, क्वालिटी, एनालिटिक्स, ग्रोथ। तो आप लोग को डेवलप में भी नहीं जाना है, क्वालिटी में भी नहीं जाना है, एनालिटिक्स में भी नहीं जाना है, ग्रो में जाना है। एंड यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा डायनेमिक लिंक्स करके, क्लिक करो, सिंपली क्लिक करना है। देन आपको गेट स्टार्टेड में जाना है, गेट स्टार्टेड में गए डोमेन, आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे न्यू ब्लॉग ही लिखते हैं, न्यू ब्लॉग। इससे आप लोगों का एक डोमेन टाइप बन रहा है लिंक, ये क्लिक किया कंटिन्यू, ओके हैज बीन वेरीफाइड एंड अप्रूव्ड, ओके फिनिश। एक लिंक बनाने का शुरुआत हो चुकी है, न्यू डायनेमिक लिंक पर क्लिक करेंगे अभी। देन आप लोग यहाँ पर कुछ भी अपना कस्टम लिख सकते हो, जैसे ब्लॉग का नाम हाउ टू लिंक, ये हो गया, कुछ भी रख सकते हो आप लोग, न्यू ब्लॉग, आपका नाम भी लिख सकते हो। सो मैंने हाउ टू लिंक रखा है। देन नेक्स्ट, अभी आपको यहाँ पर अपने जो वीडियो है यूट्यूब का उसकी लिंक डालनी है, तो सिंपली से जाएंगे यूट्यूब पे, ये अनलिमिटेड फूड वाला, सिंपली से जाएंगे शेयर में, लिंक कर दी कॉपी, यहाँ पर आके पेस्ट, ओके वही रख देते हैं हाउ टू ओपन, हाउ टू ओपन, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। बस यहाँ पर आपको कोई चेंजेस नहीं करने, इन सब में सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करना है और क्रिएट कर देना है, ओके। तो हमारी लिंक हो चुकी है क्रिएट, क्रिएट हो चुकी है हमारी लिंक, डायनामिक लिंक, और ये रही हमारी लिंक। इसको सिंपली से हमको करना है कॉपी और हम सिंपली से जाके, अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कीजिए। और आप लोग लाइव देख सकते हो कि जो लिंक है अभी मैं चेंज कर रहा हूँ, वैसे ही रखने वाला हूँ मैं, ये इसको डिलीट एंड पेस्ट कर दी, ठीक, न्यू ब्लॉग। अभी यहाँ पर क्लिक, अभी वैसे लैपटॉप की स्क्रीन पर तो क्लिक करेंगे तो सीधा यूट्यूब पे ही खुलेगा, लेकिन मैं आपको अभी मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि क्या चेंजेस हुआ।
तो चलिए गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही था। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन पर कि मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ कि क्लिक करके कैसे डायरेक्ट यूट्यूब में खुल रहा है। तो इससे गाइस काफ़ी सारे फायदे हैं। अगर हम लोग अपने फॉलोअर्स को कहना चाहते हैं कि जाके सब्सक्राइब करो या फिर वीडियोस देखो, तो ज़्यादातर लोग ब्राउज़र में खुलता है तो फिर ज़्यादातर लोग देखते नहीं है पूरे वीडियो को या फिर सब्सक्राइब नहीं करते क्योंकि वहाँ पर उन लोगों ने लॉग इन नहीं किया होता ब्राउज़र में। YouTube की ऐप में खुलता है तो काफ़ी सारे फायदे है गाइस। इससे YouTube में ज़्यादातर लोग देखना पसंद करते हैं वीडियोस को। तो ये कुछ चीज़ें हैं गाइस। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना गाइस। और बस आगे ब्लॉग्स आने वाले हैं। चलिए अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।